कन्हैया कुमार केंद्र सरकार पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कन्हैया ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए मोदी सरकार पर तंज कसा है। नागरिकता कानून को लेकर जामिया के छात्र सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कन्हैया ने इसी प्रदर्शन की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा है। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने लिखा है, बूझो तो जाने साहेब अच्छा फेंकते हैं या उनकी पुलिस। इससे पहले भी कन्हैया ने जेएनयू मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। कन्हैया ने ट्वीट कर लिखा था, पिछले 5 साल आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाने में निकाल दिए, ये 5 साल दादाजी के दादाजी का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में निकाल देंगे। इस बीच राष्ट्रवादी सरकार पब्लिक सेक्टर को 54-58 में बेचकर ट्रेन टिकट से लेकर कॉलेज की डिग्री तक सब कुछ गरीबों की पहुंच से बाहर कर देगी। एक और ट्वीट करते उन्होंने लिखा, देश के सभी लोगों को डॉक्यूमेंट्स के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे। इस तमाशे के दौरान ONGC, BSNL, एयर इंडिया, रेलवे सब बिक जाएगा। फिर प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस में 400 रुपए की जगह 4000 रुपए का टिकट खरीदिएगा और 10 लाख में डिग्री लेकर 10,000 महीने में नौकरी करिएगा। अक्सर कन्हैया मोदी सरकार पर ऐसे ही हमलावर रहते हैं। इससे पहले कन्हैया ने NRC को लेकर भी विरोध जताया था। मोदी सरकार के नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में कन्हैया कोलकाता, पटना और अन्य शहरों में घूम घूम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही आदमी है जिनके पड़ोसी ने कहा कि पहले तो बड़ा हालचाल पूछते थे, जब पानी भर गया घर में तो चुपचाप चोर की तरह भाग गए और हमको छोड़ दिए। ये पड़ोसी बोला।